आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब ये खबर पटना से आ रही है, जहां पे हॉस्टल की मांग को लेकर छात्रों और पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई है। पटना में पुलिस और छात्रों के बीच में भिड़ंत हुई है। हॉस्टल की मांग कर रहे थे ये छात्र, प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, और पुलिस के साथ उनकी रस्साकशी हुई, उसके बाद धक्का मुक्की हुई और उनकी भिड़ंत हुई है हॉस्टल की मांग को लेकर। अब तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, ये पटना से सड़कों पर किस तरह से छात्र उतरे हुए थे और पटना पुलिस की हाई हैंडेडनेस यहां पर साफ देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहां पर छात्रों को, और ये महिला पुलिस है, महिला छात्र हैं जो कि प्रदर्शन कर रही थी, जिनको खींच कर लेकर जा रही हैं। महिला पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सड़क के बीचों बीच की ये तस्वीरें हैं और देखिए कैसे दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर पुलिस पिटाई कर रही है छात्रों की। छात्र अपनी मांगों को लेकर, हॉस्टल की मांगों को लेकर, सुविधाओं की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा जा रहा है। हमारे साथ अभिषेक हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, की क्या पूरा मुद्दा था और पुलिस की हाई हैंडेडनेस साफ नजर आ रही है इन तस्वीरों में? पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बिहार के बाहर की डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पढ़ने आते हैं और उन्हें हॉस्टल की जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। बाहर प्राइवेट लॉज में, प्राइवेट रूम में लेकर ये रहते हैं, जो कि काफी महंगा पड़ता है और इनके लिए काफी असुविधा का सबब रहता है। इन्हीं बातों को, की मांग को लेकर लगातार वो डाकबंगले चौराहे से पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, करेंगे। इनकी मांग थी कि जो कॉलेजेस है उनमें हॉस्टल के कमरों को बढ़ाया जाए, हॉस्टल की संख्या को बढ़ाया जाए और इन्हें एक साफ सुथरा रहने का हॉस्टल मुहैया कराया जाए। इसी बात को लेकर करके पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया और क्योंकि थोड़ी ट्रैफिक जो थी वो जरूर कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है इन सारे। अभिषेक, लेकिन जानना चाहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था या पहले छात्रों की तरफ से ही कुछ उग्र प्रदर्शन हुआ जिसके बाद इतने लाठीचार्ज पर पुलिस उतर आई? क्योंकि पुलिस जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, ये अपने आप में भी पटना पुलिस पर सवाल खड़े करता है। नहीं, शुरू में इन लोगों ने बाकायदा एक अपनी मांग पत्र थी पटना पुलिस के एसपी कार्यालय में पहले ही जमा करा दी थी, उसके बाद ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब ट्रैफिक की व्यवस्था अव्यवस्थित होनी शुरू हुई तो तब पुलिस वालों ने आदत अनुसार इन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके आक्रोश में, जिसके रिएक्शन में लड़कों ने भी, बच्चों ने भी पुलिस वालों शुरू कर दिया और काफी अफरा तफरी का माहौल रहा पटना के दरभंगा चौराहे पे और काफी देर तक ये जब हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये व्याप्त रहा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक शुक्रिया। आपके पास अपडेट के लिए बाद में लौटेंगे। तो आप ये तस्वीरें पटना की देख रहे हैं जहां पर पटना पुलिस की हाई हैंडेडनेस नजर आ रही है, किस तरह से छात्रों को खदेड़ खदेड़ कर वो पीट रही है, लाठीचार्ज कर रही है और भगाने की कोशिश कर रही है। हमने कुछ महिला छात्रों के साथ भी यहां पर देखा कि किस तरह से महिला पुलिस ने पट रही थी, उनको खींच खींच कर ले जा रही थी और सिर्फ हॉस्टल और कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन था जो आप देख सकते हैं धक्का मुक्की तक उतर आया। फिलहाल इस बड़ी खबर पर माइंड नजर बनी रहेगी, एक छोटे से